हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर एक नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं वेल्डिंग टेक, मेरा नाम है दीपक। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये हमारी इस नई वेल्डर ट्रेड एमसीक्यू सीरीज की, वेल्डर ट्रेड थ्योरी एमसीक्यू सीरीज की थर्ड पार्ट है, यानी कि थर्ड वीडियो है। इससे पहले हम ऑलरेडी टू वीडियोज़ यहाँ पर चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, और जो पुराने कैंडिडेट्स हैं या जो नए कैंडिडेट्स यहाँ पर जुड़ रहे हैं स्टूडेंट, वो मैं उनसे कहूँगा कि जो जिसने भी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है वो एक बार पुरानी पूरी वीडियोस वॉच कर लें जो भी चैनल पर डली हुई हैं। अब उसके बाद में फिर आप अपने आप को कॉन्फिडेंस फील करेंगे, आपको आप अपना बेसिक लेवल देख सकते हैं कि कितना ऊपर आ गया है। दोस्तों पिछली वाली वीडियो में हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे, इस वाली वीडियो में हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन से आगे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, कहा गया है वेल्डिंग टार्च के किस भाग में ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन गैसें मिलती हैं। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और जनरली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इस सीरीज़ में जो भी आपको एमसीक्यू मिलेंगे वे सारे इंपॉर्टेंट ही होंगे। जैसे आप जो एग्ज़ाम एक बार दे चुके हैं उन्हें पता होगा किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी धीरे धीरे पता लगता जाएगा। तो हमसे पूछा है कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन कहाँ पर मिलती हैं। ऑप्शंस मिल जाते हैं हमें, टिप में, मिक्सिंग चैम्बर में, हैंडल में या रेगुलेटर में। तो दोस्तों सभी को पता होगा, जैसे आपने वेल्डिंग की होगी या पढ़ा होगा, तो मिक्सिंग चैम्बर में जाकर ऑक्सीजन और एसिटिलीन आपस में मिल जाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिक्सिंग चैम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 27 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की मुख्य विधियाँ कौन सी हैं। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग कहा गया है दोस्तों, और हमें ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पर, कार्बन आर्क वेल्डिंग, मेटल आर्क वेल्डिंग और एटॉमिक हाइड्रोजन, और डी मिल जाता है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर जनरल सी बात है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। कार्बन आर्क वेल्डिंग में कार्बन का इलेक्ट्रोड हम यूज़ करते हैं, मेटल आर्क वेल्डिंग MaW ये हो जाएगी, और एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग में दोस्तों जो तापमान उत्पन्न होता है वह हमारा करीब 5000 डिग्री सेल्सियस होता है, और एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग जो है हम दो टंगस्टन इलेक्ट्रोड के साथ में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, कहा गया है आर्क के द्वारा, 28 नंबर क्वेश्चन है, आर्क के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का कार्य है। आर्क जब हम बनाते हैं उस दौरान जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसका क्या कार्य है। देखिए ये प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन है, और जब आप वेल्डिंग करते हैं तो आपको पता होगा, वेल्ड स्थान को पिघला देना, वायरों को पिघला देना, वेल्डिंग गन को पिघला देना, या संपूर्ण कार्यखंड की सतह को पिघला देना। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का, ए, वेल्ड स्थान को पिघलाने का काम किसका होता है, जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसका, ताकि उसमें फ्लर मेटल आसानी से डिपॉजिट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 29 नंबर क्वेश्चन, सील्ड धातु आर्क वेल्डिंग में प्रयोग किए गए इलेक्ट्रोड को किनके द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं, फ्लक्स कोटिंग के प्रकार, तो ऑप्शन नंबर वन ही हमें करेक्ट मिल जाता है यहाँ पर। जो सील्ड धातु वेल्डिंग, सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग होती है, उसमें जो इलेक्ट्रोड का वर्गीकरण हम करते हैं वह फ्लक्स कोटिंग के प्रकार के हिसाब से अकॉर्डिंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर वन हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोब्यूलर ट्रांसफर में इलेक्ट्रोड के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह कौन से बल को उत्पन्न करता है। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ये हमारा मेटल ट्रांसफर की प्रोसेस से है, तो इसमें ग्लोब्यूलर ट्रांसफर से पूछा गया है। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं क्या करेक्ट आंसर होगा, पिंच बल या एनोड अभिक्रिया बल, ऑप्शन नंबर सी मिल जाता है ये तथा भी दोनों। तो आप, ये जनरल सा क्वेश्चन है, आप लोग सभी का करेक्ट आंसर बता देंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। जो हमारा बल होता है वो उत्पन्न होता है पिंच बल और एनोड अभिक्रिया बल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ड्रिप ट्रांसफर से यहाँ पर हमसे पूछा गया, और ड्रिप ट्रांसफर में दोस्तों 100 बूंदें प्रति सेकेंड यहाँ पर ट्रांसफर होती हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया है, ड्रिप ट्रांसफर क्रिया विधि में आर्क के अनुरक्षण के लिए ऊर्जा का हिस्सा किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जनरली
अभी एग्जामों में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं थोड़ा डीपली। क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से पढ़िएगा। डिप ट्रांसफर क्रिया विधि में आर्क के अनुरक्षण के लिए ऊर्जा का हिस्सा किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऊर्जा के प्रतिरोधी संग्रहण द्वारा, ऊर्जा के प्रेरणीय इंडक्टिव संग्रहण द्वारा, तो हमें ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट मिल जाता है। ऊर्जा के प्रेरणीय संग्रहण द्वारा यहाँ पर ऊर्जा का हिस्सा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन। गलत वायर फीडिंग व अनियमित वायर गति का परिणाम है। गलत वायर फीडिंग होगी जब वायर टाइट नहीं होगा, या अनियमित जब वायर फीडिंग होगी तब हमें क्या परिणाम यहाँ पर मिलेगा, वही हमसे पूछा गया है। 32 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए है बेल्ट धातु में सरंध्रता यानी कि पोरोसिटी, ऑप्शन नंबर बी बेल्ट धातु में गलन की कमी। 32 नंबर का करेक्ट आंसर, हमें यहाँ पर दोनों ऑप्शंस करेक्ट मिल जाते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा सी ए तथा बी दोनों, क्योंकि गलत वायर फिटिंग होगी तो बेल्ट धातु में पोरोसिटी का दोष भी होता है, क्योंकि या तो मेटल बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होगा या बहुत कम कम करके होगा, तो इस तरह से पोरोसिटी होगी। और बेल्ट धातु में गलन की कमी, जब दोस्तों वायर फीडिंग बहुत ही कम होगी तो उस टाइम आर्क नहीं बनेगी, और जब आर्क नहीं बनेगी तो बेल्ट धातु के फ्यूज़न में यहाँ पर कमी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन। फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग की सीमा क्या है? देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और दोस्तों पहले के एग्जाम में क्या होता था, यही क्वेश्चन दोस्तों सिर्फ ऐसे ही पूछ लिया जाता था। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कई बार पूछा गया, 2-3 बार ये क्वेश्चन एफ सी ए डब्ल्यू का फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता था। लेकिन दोस्तों आजकल थोड़ा लेवल बढ़ गया है तो आपको अपने आप को मॉडिफाई रखना पड़ेगा और उसे बहुत आगे निकलना पड़ेगा आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं कि इसकी सीमा क्या है। यह केवल फेरस धातु प्रारंभिक स्टील के लिए उपयोगी होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग एक स्लैग प्रदान करता है जिसको हटाया जा सकता है, ये भी सही है। नेक्स्ट, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग की तुलना में फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग के उपकरण ज़्यादा महंगे होते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ये इसकी सभी इसकी सीमाएं हैं, किसकी, फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन। मिग मैग मेटल इनर्ट गैस और मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग में धातु में दरार की समस्या यानी कि क्रैक उत्पन्न करने के लिए पैरामीटर सेटिंग में मुख्य कारक है, क्या होगा तब हमारा वेल्डिंग दोष आएगा क्रैक का मिग मैग वेल्डिंग में, भाई हमसे पूछा गया है 34 नंबर क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर बी ए मिल जाता है हमारा, बहुत कम करंट सेटिंग या बहुत उच्च करंट सेटिंग, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बहुत उच्च करंट सेटिंग जब होगी तब यहाँ पर हमें यहाँ पर क्रैक दोष जो है देखने को मिलेगा। वह कैसे मिलेगा दोस्तों, क्योंकि जब हम मेटल को एकदम से जब वेल्डिंग करेंगे, जब अधिक करंट दे देंगे तो वहाँ पर मेटल फ्यूज़ अधिक हो जाएगा, जब वह ठंडा होगा तो उसमें क्रैक होने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन। स्प्रे ट्रांसफ़र और ग्लोब्यूलर ट्रांसफ़र की तुलना करते हुए MIG यानी कि मिग वेल्डिंग में फाइन ड्रॉपलेट के लिए ट्रांसफ़र की कौन सी विधि सबसे अच्छी है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आपने मेटल ट्रांसफ़र चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा। हमसे कहा गया स्प्रे ट्रांसफ़र और ग्लोब्यूलर ट्रांसफ़र की तुलना करते हुए मिग वेल्डिंग में फाइन ड्रॉपलेट के लिए ट्रांसफ़र की कौन सी विधि सबसे उत्तम है, इन दोनों में से हमसे उत्तम विधि पूछी है। स्प्रे ट्रांसफ़र, ग्लोब्यूलर ट्रांसफ़र, पुश्ड स्प्रे ट्रांसफ़र या शॉर्ट सर्किट ट्रांसफ़र, तो 35 नंबर क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन दोनों में से फाइन ड्रॉपलेट्स यहाँ पर हमसे पूछा गया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्प्रे ट्रांसफ़र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 नंबर। धातु कार्यखंडों पर की जाने वाली प्रारंभिक वेल्डिंग है, धातु कार्यखंडों पर की जाने वाली
प्रारंभिक वेल्डिंग है। प्रारंभिक वेल्डिंग से पूछा गया है हमसे टेक वेल्डिंग के बारे में, तो जनरल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेक वेल्डिंग। और दोस्तों एक बार बता देता हूँ कि टेक वेल्डिंग क्या होता है। तो टेक वेल्डिंग होता है जब हम किसी वर्क पीस का निर्माण करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम एक यहाँ पर बट जॉइंट बना रहे हैं, ये हम बट जॉइंट यहाँ पर बना रहे हैं दोनों प्लेटों के बीच में। तो दोस्तों इन दोनों प्लेटों को जोड़ने से पहले यहाँ पर हम टेक बेल्ट लगा लेते हैं इस तरह से कुछ, ताकि जो हमारा जोड़ है वह सही अलाइन हो जाए और उस बाद में उसमें फ्यूजन सही हो जाए, वह उसका पैरामीटर्स गड़बड़ ना हो। तो इसी को हम टेक वेल्डिंग कहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही एमसीक्यू तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे वाले एमसीक्यू करेंगे जो कि वीडियो कल आएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सीरीज़ आप लोगों को पसंद आ रही होगी, और अपनी तैयारी, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अच्छे से लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और थोड़ा स्मार्ट वर्क कीजिए। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, और फ्रेश माइंड सेट और दूसरों से आगे निकलने की क्षमता। तो दोस्तों मिलते हैं कल की वीडियो में नेक्स्ट सीरीज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।